हेलो गाइस, आज है 8 जून और काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है, मतलब कि हमारी लाइफ का, क्योंकि आज हमने फर्स्ट मीटअप रखा हुआ है। हमारा तो सेकंड मीटअप है, इन्हीं का इम्पोर्टेंट डे हो सकता है हमारा लाइफ का। जैसे आज हमने एक बार पहले मीटअप कर लिया था। तुम्हारा मीटअप? हाँ, एक तो अक्षर विहार पार्क में हमने पहले चार लोग आए थे जिसमें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, चार लोग थे। हाँ, तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यही से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई कौन कौन आता है मिलने के लिए। आएंगे काफी लोग आएंगे, क्योंकि अभी मैंने जब इंस्टा पे पोस्ट डाली थी तो उसमें लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम भी आएंगे। रुको जरा, सबर करो, ये तो काफी लोग आ सकते हैं। कौन कौन आता नहीं आया तो पूरी प्लानिंग हमारी खराब चली जाएगी। वैसे कौन सा हमने खाने पीने का इंतजाम किया? तो भाई 11 बजे का टाइम दिया था, टाइम अभी हो रखा है 10:53, अभी तक तो कोई झांका नहीं है कि कोई आ जाए। हो सकता है 11 बजे का टाइम दिया है क्या? अब इधर इतने टाइम झांक के क्या करेगा कोई? 7 मिनट का टाइम रह गया बस। अब वो लोग भी यही सोचते होंगे कि ये लोग वीडियो बनाने आते होंगे तो पूरे दिन तो कंपनी गार्डन में ही घिरते रहेंगे, पर मैं सबको भगा। गजब बेइज्जती है। अगर 12 बजे के बाद कोई आया तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं भाई कौन कौन आता है। काफी मजा आने वाला है आज, ब्लॉग पर बने रहिए, देखते हैं कितना मजा आएगा। तो फ्रेंड्स, ये दीदी जो कि रश्मि जी हैं, हमारी सब्सक्राइबर हैं, काफी टाइम से मिलने के लिए मतलब बोल रही थी। कितना टाइम हो गया दीदी? लगभग 3 महीने 3 महीना हो गया, लेकिन मैं मिल नहीं पाया किसी कारणवश। बस आज हमारे मीटअप में आ गई है, उसके लिए मैं उसको समझ में आ गया नहीं आया। तो जो जो उनको पूछना था एंड उनको चैनल स्टार्ट करना था तो हमने आप उनको बताया है, तो देखते हैं किसका चैनल स्टार्ट करते हैं। तो भाई दीदी के चैनल को सपोर्ट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही देंगे और अभी इनके ब्लॉग पढ़े नहीं, मतलब डालेंगे। हाँ, तो देखते हैं गाइस और कौन कौन आता, फिर आपसे मिलाते हैं, वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने ज्यादा लोग आए हुए हैं। तो बोलो ना। तो गाइस, हमारे साथ मीटअप में इतने सारे लोग मतलब मिलने के लिए आए हैं। ये भैया आए हुए हैं, भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम रिजवान है और मेरा चैनल का नाम किलर बॉयज बरेली है। किलर बॉयज बरेली है, तो जरूर से सपोर्ट करना है भाई को, ठीक है? आपका? मेरा नाम प्रेम है और चैनल का नाम ईपी टैग है। और ये भाई ललित भाई, आप तो पहचान ही गए होंगे मुझे तो, जानते ही होंगे। ये भाई सचिन भाई है, एक आध ब्लॉग में आपने देखा होगा, लेकिन फिर से इंट्रो करा देते हैं। भाई बताओ अपने बारे में। मेरा नाम सचिन है और मेरा भी यूट्यूब चैनल है, जैसे सब लोग का है वैसा मेरा भी है। नाम प्रॉपर्टी से रिलेटेड चैनल है, मतलब जितनी प्रॉपर्टी की नॉलेज होगी बरेली की टोटल मिलेगी आप, उत्तराखंड की मिल जाएगी, मध्य प्रदेश की मिल जाएगी। नाम क्या है? सिंह प्रॉपर्टी नॉलेज। सिंह प्रॉपर्टी, जैसे भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो भाई से कॉन्टेक्ट करें, मुझे बता देना, नंबर दे दूंगा इनका। कॉन्टेक्ट मुझसे नहीं, मतलब ऑनर्स के नंबर मिलेंगे आपको मेरे चैनल पर, सारे ऑनर्स। तो फ्रेंड्स, अभी तो इतने ही लोग आए, अभी देखते हैं और नेक्स्ट कौन कौन आता है। जो भी आता है तो आपके लिए दिखाते हैं, सो आप लोग ब्लॉग में बने रहे, कंटिन्यू ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज, यहाँ पे सरदा पटेल ऑफिशियल की प्रैंक वीडियो शूट हो रही है, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, मतलब पहले से प्लान किया हुआ। यहाँ पर मेरा फ्रेंड सचिन बैठा हुआ था और यहाँ पर देखिए हेड मसाज प्रैंक चल रहा है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कभी कभी। हमने फेस किया है ऐसे सिचुएशन को कि लड़ाई झगड़े हो गए हैं, इसलिए इससे बचने के लिए हमें सब कुछ प्री प्लान करना पड़ता है। बाकी जितने भी प्रैंक स्टार्स होते हैं सभी लगभग प्री प्लान ही करते हैं। भाई, जो कल का मीटअप था अच्छे से निपट गया, काफ़ी कम लोग आए थे, मतलब ज़्यादा लोग भी नहीं आते, 5-6 सब्सक्राइबर्स ही आते बस, उसमें से 3-4 तो मुझे पहले ही बता चुके थे कि हम लोग आएंगे, जैसे रश्मि जी हो गई, सचिन हो गया, ए पी टैक हो गया, इन लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि हम लोग आने वाले हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने कहा तो था आने के लिए, लेकिन आए नहीं थे। भाई अब मत कहना कि मतलब मिले नहीं, अब मतलब मिलने के लिए कहना ही मत कि हम लोग आएंगे, क्योंकि मिलने के लिए आपको टाइम दिया था, दिन दिया था, पोस्ट भी डाल दी थी, वीडियो भी डाल दी थी, तब भी आप लोग नहीं आए, तो थोड़ा सा मूड खराब होता है इस चीज़ को देखकर कि मतलब इतने ज़्यादा मतलब लोग मिलने के लिए कहते हैं लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया। तो अब तो कहना ही मत काफ़ी टाइम तक कि मतलब मिलना है हमें, ठीक है? तो गाइस, होप करता हूँ आपको मीटअप थोड़ा सा ठीक लगा होगा, मतलब ज़्यादा इतना खास नहीं रहा, ठीक ठाक हो गया था। होप करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना नेक्स्ट अपडेट के लिए, ताकि जो हमारी वीडियो आती रहे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म होता रहे। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।